लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस को लेकर रेल अधिकारी भी पूरी तरह अलर्ट है। जहां एसी कोचों में कंबल देने पर लगाया गया प्रतिबंध और सीटों के किनारे लगे पर्दों को भी हटाने के आदेश दिए। यह सब कोरोना वायरस से बचाव के लिए दीवारों पर पैम्पलेट्स लगाकर यात्रियों को किया जा रहा है जागरूक। कोरोना वायरस से बचाव हेतु 31 मार्च तक वातानुकूलित कोचों में यात्रियों को कंबल प्रदान नहीं किए जाएंगे, केवल चादर ही प्रदान किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर यात्रियों को अतिरिक्त चादर की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। प्रयागराज, हम सफर, संगम, श्रम शक्ति एक्सप्रेस आदि गाड़ियों के वातानुकूलित कोचों में यात्रियों की सुविधा हेतु यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है और पर्दों को भी हटाया जा रहा है। यात्रियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए वातानुकूलित कोचों का तापमान 25 डिग्री पर स्थिर रखा जाएगा, जिससे यात्रियों को कंबल की आवश्यकता ही ना पड़े। यह सुरक्षात्मक उपाय यात्रियों के हित को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। जहां टूंडला स्टेशन पर गोमती और कालका मेल में यात्री भी उनके चेहरे पर मास्क लगाकर यात्रा करते दिखाई दिए। इसके अलावा ट्रेनों के आने से पहले अनाउंसमेंट बचाव के लिए किया जाता रहा। इसके साथ ही दीवारों पर पैम्पलेट्स लगाकर यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है। देव पांडे हो गया, हम रांची से आ रहे हैं। रास्ते में हर जगह कोरोना के डर से हर कोई मास्क का यूज कर रहा है। इसका एकमात्र बचाव तरीका है कि मास्क यूज करें, हाथ पैर धो के कोई भी चीज खाएं और जहां भी देखा जाए इससे थोड़ा सा बच के रहा जाए। अच्छा, ट्रेनों में आपने किस तरीके से देखा कि हर जगह मतलब 60% आदमी मास्क का यूज कर रहा है। कुछ कुछ आदमी अभी नहीं किए हैं, लेकिन देखा देखी में सब अभी करने वाले हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये रेलवे ने डिसीजन लिया है ये काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं, वो वही कंबल वगैरह बार बार, क्योंकि ये कंबल ऐसे हैं जो बार बार वही यूज हो रहे हैं, बार बार वही यूज किए जा रहे हैं, तो दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, इसलिए जो रेलवे ने कदम उठाया है कि कंबल हटा दिए जाए, पर्दे हटा दिए जाए, वो काफी सही है। और रेलवे ने एक और चीज कही है कि पहले शुरुआत के टाइम में टेम्परेचर जो है वो काफी हाई रखा जाए और बाद में उसको थोड़ा सा स्थिर कर दिया जाए, ये भी उनका एक अच्छा सुझाव है। और अभी फिलहाल क्योंकि रात का टाइम हो चुका है, लोगों को बहुत गर्मियाँ भी लग रही थी, तो अभी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल किया गया, कम किया गया और बस ये एक घंटे के लिए किया गया, फिर वापस से टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या पर्दे हटाए गए हैं? नहीं, अभी पर्दे नहीं हटाए गए, पर कंबलें हटा दी गई हैं। कर रहे हैं रेलवे का जो हाईलाइट जारी किया कोरोना वायरस को लेकर, क्या कहना है आपका? सर, मेरा यही कहना है कि जो रेलवे ने अपने बचाव के लिए, जो यात्रियों को बचाव के लिए जो किया है वो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, और वो जो भी किया है सब डॉक्टरों की सलाह से किया है। अच्छा, पर्दा हटाने के भी आदेश किए गए हैं, कंबल ना देने के आदेश किए गए हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? सर, जैसे कि बता ही रहे हैं डॉक्टर और जो टीचर्स बता रहे हैं कि पर्दा हटाने से, छूने से या कपड़ा छूने से किसी उसी से फैलता है वो, तो ये तो रोज रोज धुलता नहीं है, साल में ये तो साल या छः महीने में जितने दिन में धुलता है उसी हिसाब से धुलता है। सफर में आप क्या एहतियात बरत रहे हैं इस समय? यही एहतियात बरत रहे हैं, या तो किसी से हाथ भी नहीं मिला रहे और जो कपड़ा है तो उसको छूने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं। कैसी सुरक्षा महसूस हो रही है आपको? अब तो जैसे कि पर्दा हटा देंगे तो उससे काफी ठीक रहेगा। संदीप तिवारी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष फिरोजाबाद की तरफ से रंगों के त्योहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अमित गुप्ता, राष्ट्रीय रत्न अवार्ड से सम्मानित जिला प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी, भाजपा अध्यक्ष, ऐसे ब्लड डोनेशन क्लब, यूथ ब्लड संयोजक, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पार्षद देश दीपक यादव, नगर निगम फिरोजाबाद, नगर के सभी सम्मानित नागरिकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और सभी नगर वासियों से अपील करता हूँ कि इस होली पर रंग और गुलाल से बचकर रहें। अब स्वयं और अपने बच्चों को रंग और गुलाल से दूर रखें, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस फैल रहा है, इससे बचाव रखें। मैं डॉक्टर दिलीप यादव, MLC आगरा फरीदाबाद क्षेत्र। इस पावन पर्व पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने जिले के सभी वासियों को, प्रदेश के वासियों को, और ईश्वर से दुआएं करते हैं होली का त्यौहार पूरी तरह से अमन चैन से मनाएं और खुश होकर मनाएं और इस सावधानी के साथ मनाएं। वर्तमान में जो बीमारी चल रही है चाइना से आई है,
उस बीमारी को नज़र में रखते हुए अपने परिवार में ध्यान रखें, कहीं कोई बीमारी का असर हमारे परिवार में ना आ जाए। और जो होली खेलें उसमें भी रंग का ध्यान रखें, और जो बच्चे छोटे छोटे कीचड़ की होली खेलते हैं उसमें भी ध्यान रखें, कहीं कोई किसी तरह के बैक्टीरिया वायरस बीमारी पैदा ना हो जाए। ये त्यौहार इस तरह का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, जिससे गले शिकवे दूर होते हैं, बुराइयाँ दूर होती हैं। और इसी के साथ पुनः अपील, हम सब लोग मिल कर के हिंदू मुस्लिम मिल होली मनाएं। और ये फिरोजाबाद शहर और फिरोजाबाद ज़िला ऐसा है जहाँ हिंदू मुस्लिम मिलकर के व्यापार भी करते हैं, व्यापार के साथ साथ त्यौहार भी एक दूसरे के, ईद हो या होली हो या दीपावली हो, सब एक दूसरे मिलकर के मनाते हैं। और इसी तरह से हम खुशी से मनाएं और अपने इस त्यौहार को पर्व की तरह पूरी तरह से मनाकर घर में खुशहाली का माहौल पैदा करें। अनार सिंह कुशवाहा, जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा फिरोजाबाद की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। फूलमाला राठौर पार्षद सतीश राठौर, पार्षद पति वार्ड नंबर 36 नगला पचिया की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दुर्गपाल सिंह डीपी यादव, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, होली पर सभी जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। होली पर सभी लोग रंगों की होली न खेल के फूलों से होली खेलें, कींच मिट्टी वाली होली से बचें, और सारे लोग फूलों की होली खेल के अपना होली का ये उत्सव मनाएं। और इस विषय पर जनपद वासियों को मैं ढेर सारी होली की शुभकामनाएं देता हूं। कमलेश यादव, यूथ ब्रिगेड, जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इकरा कॉन्वेंट स्कूल सैलई फिरोजाबाद की तरफ से शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गोपाल जी ज्वेलर्स, सुहाग नगर चौराहा, भीम नगर रोड, फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री व राजस्थान प्रभारी हिंदूवादी नेता पंडित हरदेश शर्मा व समस्त युवा वाहिनी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर सिद्धार्थ यादव, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर, फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राहुल जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। संतोष अग्रवाल, पूजा ग्रुप ऑफ ग्लास इंडस्ट्रीज, फिरोजाबाद की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को व मक्खनपुर नगर पंचायत को मुकेश राठौर और अनार सिंह कुशवाहा की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सहारा इको व्हील्स, होली के शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारी छूट। इस होली से शुरुआत करें, पेट्रोल का झंझट खत्म करें, 2 साल की पेट्रोल में गाड़ी घर ले जाएं। हमारा पता बरी का नगला चौराहा।